हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपका बजट 20,000 रुपये है और 20,000 के नीचे ही आप लोग अपने लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं, जो कि दोस्तों गेमिंग में अच्छा हो और उसका कैमरा भी अच्छा हो, लगभग 50 मेगापिक्सल का कैमरा हो कम से कम, और उसका बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, मतलब उसकी मोबाइल का जो टोटली एवरेज परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि आप भी ऐसा मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे हैं कि 20,000 के नीचे हो और एक अच्छा स्मार्टफोन हो, तो इस वीडियो में आपके लिए ऐसे 5 स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो कि दोस्तों 20,000 के नीचे बहुत अच्छे स्मार्टफोन है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियो बनाऊँगा तो आप तक मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम नंबर 5 से नंबर 1 की तरफ चलेंगे, और जो नंबर 1 में मोबाइल फ़ोन है वो ऑलराउंडर फ़ोन है, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो हमारी लिस्ट में जो नंबर 5 में मोबाइल फ़ोन है उसका नाम है ओप्पो A96 4G। ये एक 4G स्मार्टफोन है, एंड इसमें यदि आप फीचर की बात करते हैं तो वैसे तो ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बट यदि फीचर की बात करते हैं और ये हमारे लिस्ट में 5 नंबर में क्यों आता है तो ये भी हम बताएंगे। तो देखिए, इसकी डिस्प्ले जो है 6.64 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले है, जो कि डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है ये। और बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, इस फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। और ब्राइटनेस की बात करते हैं, इस फोन पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक की मिलती है, जो कि एवरेज अच्छी है, ठीक है ना। और यदि हम बात करते हैं प्रोसेसर की, इस फ़ोन में आपको कॉलकम स्नैपड्रैगन 680G जो कि 6 नैनोमीटर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और अब हम बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे के। सो मेन कैमरा रहेगा इसमें 50 मेगापिक्सल का, एंड सेल्फी कैमरा रहेगा इसमें 16 मेगापिक्सल का। तो 50 मेगापिक्सल कैमरा काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। और यदि हम बात करते हैं इस फ़ोन में सिक्योरिटी की, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक भी मिलेगा इस फ़ोन में आपको। और इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बैटरी की, क्योंकि बैटरी भी ज़रूरी है, तो 5000 mAh की बैटरी इसमें मिलेगी आपको देखने को। एंड इसी के साथ सुपर फास्ट चार्जर यानी कि 33 वाट का चार्जर मिल जाएगा, यानी कि 33 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का चार्जर, बट इसकी प्राइस है 21,999 रुपये, लगभग 22,000 के आसपास मिल जाएगा ये फ़ोन। तो दोस्तों, इससे हमने नंबर 5 में इसलिए रखा क्योंकि इस फ़ोन की फ़ीचर के मामले में, फ़ीचर के हिसाब से इस फ़ोन की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। फ़ोन की प्राइस लगभग 18,000 के आसपास होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है, ठीक है ना। सो इस फ़ोन का नाम है गैलेक्सी M33 5G। अब इसे नंबर 3 में हमने क्यों रखा है लिस्ट में, तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगी। अमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन LCD डिस्प्ले भी बहुत अच्छी होती है। और इसमें ब्राइटनेस मिलेगी आपको 600 निट्स तक की, एंड इसमें जो रिफ्रेश रेट रहेगा वो 120 हर्ट्ज़ का रहेगा, ठीक है ना। तो रिफ्रेश रेट के मामले में काफ़ी आगे है। और इसमें प्रोसेसर मिलेगा आपको एक्जीनोस का 1280 प्रोसेसर, जो कि 5 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब देखिए, इसमें प्रोसेसर आपको 5 नैनोमीटर वाला मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर रहेगा। कैमरे की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा मैन, और सेल्फी कैमरा मिलेगा केवल 8 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों, इस सेल्फी कैमरे में पीछे हो जाता है। और इसमें आपको बैटरी मिलेगी 6000 mAh की, जो कि बहुत अच्छी बात है, 6000 mAh बैटरी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें 25 वाट का चार्जर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है भाई। सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं प्राइस की, सिर्फ प्राइस के मामले में काफ़ी अच्छा मोबाइल है, यानी कि 18,000 के आसपास मिलेगा। तो फीचर के हिसाब से इस फ़ोन की प्राइस भी 18,000 रुपये ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी प्राइस लगभग 17,000 रुपये होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है, Realme 9 5G SE, ठीक है ना। करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फीचर के बारे में, तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगी। अमोलेड डिस्प्ले नहीं है, और अमोलेड डिस्प्ले होती तो और अच्छा होता। और इस फ़ोन में आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। 90 हर्ट्ज़, फिर 120 हर्ट्ज़, और यहाँ पर Realme 9 5G SE आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देता है, जो कि काफ़ी तगड़ी बात है। और इसी के साथ दोस्तों 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, एंड कॉलकम स्नैपड्रैगन 778G का आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल कैमरा कम नहीं होता है। आप 48 मेगापिक्सल के कैमरे से बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और इसमें सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है, तो कैमरे के मामले में ये तीसरे नंबर में आ जाता है। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, बैटरी में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, एंड 33 वाट का चार्जर मिल जाएगा, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और इसकी प्राइस है 20,000 रुपये के आसपास, यानी कि 20,000 रुपये के नीचे आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। और ये 3 वेरिएंट में आता है, तो जो पहला वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB, इसकी कीमत है 19,999 रुपये। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है, और ये
इस मोबाइल फ़ोन का नाम है मोटो G71 5G। तो दोस्तों ये सबसे पहली बात कि ये 5G मोबाइल फ़ोन है, और यदि हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले इसमें मिलेगी आपको 6.4 इंच की सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, यानी कि अब केवल अमोलेड नहीं सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली इस फ़ोन में आपको, जो कि काफ़ी अच्छा है। और रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको 120 हर्ट्ज का। एंड ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 600 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाएगी। एंड प्रोसेसर की बात करते हैं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695G प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के मामले में बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और अब बात करते हैं इस फ़ोन में मैन कैमरे की। मैन कैमरा में आपको 50 MP का देखने को मिल जाएगा। वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 MP का मिलेगा। एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, इस फ़ोन में आपको बैक में फिंगरप्रिंट मिलेगा, साइड में नहीं है और ना ही इन डिस्प्ले है। एंड फेस अनलॉक भी मिल जाएगा इसी के साथ आपको। और अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी है इस फ़ोन की 5000 mAh की बैटरी, और इसी के साथ आपको 33 वाट का चार्जर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं प्राइस की। दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस है 18,999 रुपये, यानी कि लगभग 19,000 के आसपास। जो मोबाइल फ़ोन में फीचर्स हैं तो फीचर्स के हिसाब से 19,000 रुपये बढ़िया प्राइस है, ठीक है। तो यदि आप मोटोरोला कंपनी के फ़ैन हैं तो आप लोग इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और अब फाइनली हम बात करते हैं जो कि हमारे लिस्ट में आता है नंबर 1 पर। तो इस मोबाइल फ़ोन का नाम है Poco X4 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, ये Poco X4 Pro 5G है, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। और नंबर 1 पर आने का इसका रीज़न ये है कि इस फ़ोन में आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.67 इंच की, प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ठीक है ना। एक तो बड़ी डिस्प्ले और दूसरा सुपर अमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा इस फ़ोन में आपको, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ब्राइटनेस के मामले में ये दोस्तों सबसे आगे निकल जाता है। इसमें आपको पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। और वहीं बात करते हैं प्रोसेसर की। इस फ़ोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 695G 66 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है, आपके मोबाइल को स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। आपको 64 MP का कैमरा मिलेगा, ठीक है ना। तो कैमरे के मामले में भी ये फ़ोन आगे निकल जाता है। और सेल्फी कैमरा भी आपको 16 MP का रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अब बात करते हैं इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट्स की। इस फ़ोन में आपको साइड में फिंगरप्रिंट मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक भी मिलेगा सिक्योरिटी में, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं बैटरी की। इस फ़ोन की बैटरी 5000 mAh रहेगी एंड इसमें चार्जर आपको 67 वाट का दिया जा रहा है, ठीक है ना। 40 से 50 वाट का काम भी करेगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये 2-3 वेरिएंट में आता है, लेकिन जो वेरिएंट मैंने चुना है तो इस वेरिएंट का जो प्राइस है 6GB + 128GB वेरिएंट का, वो है 18,999 रुपये, यानी कि प्राइस में सबसे कम है। फीचर्स के हिसाब से केवल 19,000 के आसपास मिल जाएगा ये फ़ोन आपको, और इसमें भर के फीचर पड़े हुए हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।